नमस्कार, मैं मनीषा तिवारी, आप देख रहे हैं हमनेस वक्त चला के दिन भर की 10 बड़ी खबरों का। सांसदों के निलंबन पर बोले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, सवालों और सच से डरती है केंद्र सरकार। राहुल गांधी ने 12 राज्यसभा सांसदों के निलंबन के मुद्दे को लेकर सदन में चल रहे गतिरोध पर आरोप लगाया है। कोरोना के नए वेरिएंट की भारत में एंट्री हो गई है। कर्नाटक में ओमिक्रॉन के 2 मामले सामने आए हैं, दोनों संक्रमित साउथ अफ्रीकन है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रभावित देशों से आने वाले लोगों के लिए जारी किए दिशा निर्देश। ओमिक्रॉन के खतरों के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि वैक्सीन पर हमें ध्यान देना है, उसी तरह मास्क और बाकी चीजें जैसे हाथ धोना जारी रखना है। प्रदूषण की वजह से अगले आदेश तक दिल्ली के स्कूल हुए बंद। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने स्कूल बंद करने का ऐलान कर दिया है। सहारनपुर में उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर बरसे गृह मंत्री अमित शाह, कहा पहले यूपी में था माफिया का राज, आज कानून राज है। चक्रवाती तूफान जवाब से बनी स्थिति को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की बैठक। आंध्र प्रदेश से ओडिशा तक मौसम विभाग ने किया अलर्ट जारी। दिल्ली पुलिस ने मिनी ट्रक से जब्त की 1 करोड़ रुपए की ड्रग्स। पुलिस का कहना है कि ड्रग सप्लायर आरोपी खुद को किसान नेता बता रहा है। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर बढ़ी चिंता। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे बोले अगले 1-2 दिन में जारी करेंगे नई गाइडलाइंस। पुलिस की पिटाई से अहमदनगर की पादरी समाज की सोशल वर्कर सुमन काले की हुई मौत। अदालत ने हत्या का मामला दर्ज करने को कहा। थाने स्टेशन कोर्ट से गैंगरेप और हत्या के आरोप में मौत की सजा पाए व्यक्ति को हाई कोर्ट ने किया बरी। कोर्ट ने अपने आदेश में जीवित पीड़िता के बयान पर संदेह जताया और कहा कि आरोपी के उस बयान में तत्व है जिसमें उसने कहा था कि पीड़िता वेश्यावृत्ति में लिप्त थी। ये थी आपके दिन भर की 10 बड़ी खबरें। इस तरह खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहे हमनेस के साथ।